गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए जान लेते हैं देश दुनिया के इतिहास में 9 सितंबर के दिन क्या घटना हुई थी, कुछ प्रमुख हम जानेंगे। 2012 को आज ही के दिन 9 सितंबर के दिन इंडियन स्पेस एजेंसी ने सबसे भारी सैटेलाइट, विदेशी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया था, आज ही के दिन 2012 को। 1974 में, 1974 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर को हुआ था। उनके मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। 1940 में जॉर्ज स्टिबिट्स ने कंप्यूटर का पहला रिमोट ऑपरेशन शुरू किया। 1939 में म्यांमार के राष्ट्रीय नायक यू ओत्मा की मृत्यु, जेल में ब्रिटेन की औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करते हुए आज ही के दिन हुई थी। म्यांमार के राष्ट्रीय नायक यू ओत्मा, इनकी मृत्यु हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। औपनिवेशिक सरकार मतलब जो ब्रिटिश जो सब जगह पे अपना अधिकार जमा के जो सरकार जमा लेते थे ना, उसी के विरोध में भूख हड़ताल करते हुए आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। फिर आगे बात करेंगे। 1923 में तुर्की को गणराज्य का दर्जा दिलाने वाले मुस्तफा कमाल आतातुर्क ने 9 सितंबर को ही रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि तुर्की को गणराज्य, गणराज्य मतलब यहाँ पे पूरी तरह से इसको एक गणराज्य की स्थापना दी थी यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी, उसको दिलाने के लिए मेन कौन थे यहाँ पे, मुस्तफा कमाल आतातुर्क। इन्होंने 9 सितंबर ही के दिन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की स्थापना की थी। 1791 में यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी का नाम वॉशिंगटन डीसी आज ही के दिन कर दिया गया था, राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर करा था। चलिए, तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि जो वॉशिंगटन डीसी का जो नाम जो है वो वहां के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर ही रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, 9 सितंबर 1950 को, 9 सितंबर 1950 को प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र का उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्म हुआ था। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार थे। आप अगर हिंदी पढ़ते हैं और साहित्यिक हिंदी अगर पढ़ रहे हैं, विशिष्ट हिंदी अगर पढ़ते हैं, तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को स्टडी करना ही पड़ता है, करा ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नाटककार थे हिंदी साहित्य के। चलिए आगे बढ़ देते हैं। 9 सितंबर 1867 को यूरोपीय देश लग्जमबर्ग ने स्वतंत्रता हासिल की थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 सितंबर को लग्जमबर्ग का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक है। 9 सितंबर 1920 को आंग्ले ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। कब किया था, 1920 में किया था। इसका पुराना नाम क्या था, हमको ये काम की चीज क्या मिल गई कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसका पुराना नाम क्या था, आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में कर दिया गया था आज ही के दिन। 9 सितंबर 1939 में नाजी सेना पोलैंड की राजधानी वारसा पहुंची थी। 9 सितंबर 1944 यूरोपीय देश बुल्गारिया नाजी नियंत्रण से मुक्त हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बुल्गारिया जो कंट्री है वह नाजी नियंत्रण से आज ही के दिन 1944 में मुक्त हुई थी। 9 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 9 सितंबर ही के दिन पहली बार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में लिखित किया गया था, मतलब माना गया था, नामित किया गया था हिंदी को 1949 में। 9 सितंबर 1950 को यूरोपीय देश फ्रांस में बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 सितंबर 1954 में अफ्रीकी देश अल्जीरिया के आर्लिवासले क्षेत्र में भूकंप से 1400 लोगों की मौत हुई थी।
आज ही के दिन 1954 में बहुत बड़ा भूकंप आया था अल्जीरिया में, यहाँ पर लगभग 1400 लोगों की मौत इस वजह से हुई थी। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसका आपको आंसर कमेंट में मुझे देना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किससे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास आईएएस नीतीश्वर कुमार, आईएएस मनोज कुमार, आईएएस राहुल सचदेवा या फिर आईएएस अनमोल त्यागी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, अभी रिसेंट में ही इनको किया गया है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है आईएएस नीतीश्वर कुमार। अब यहाँ पे कुछ नीतीश्वर कुमार के बारे में कुछ जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश काडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीआई एनसीटीआई के में सदस्य सचिव नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया। आईएएस अधिकारी कुमार राज्यपाल सिन्हा के रेल राज्य मंत्री रहते उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। चलिए यहाँ पे काम की चीजें और क्या मिल गई कि इसके पहले भी जो हमारे जो नीतीश्वर कुमार जी हैं उपराज्यपाल सिन्हा जी को सेवाएं दे चुके हैं, किस रूप में, ओएसडी के रूप में ऑफिसर ऑन ड्यूटी। और उस टाइम पे मनोज सिन्हा जी क्या थे, रेलवे में राज्य मंत्री थे। चलिए इसके पूर्व मनोज सिन्हा जब गाजीपुर के सांसद थे तब नीतीश्वर कुमार उस दौरान जिले के सीडीओ भी थे। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल गई है कि जहां जहां मनोज सिन्हा जी जा रहे हैं वहां वहां आईएएस नीतीश्वर कुमार जी उनके साथ साथ चले जा रहे हैं। लगातार 3 बार उनकी पोस्टिंग सेम रिश्ते में, मतलब सेम रिलेशन में हुई। पहले यहाँ पे जब रेल मंत्री थे वो राज्य मंत्री थे तब वहां पे वो ओएसडी थे, उसके पहले जब वो वहां पे सांसद थे, जब इसके पहले मनोज सिन्हा जी सांसद थे तब वहां पर वो जिले के सीडीओ थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं तो उनको उनका सचिव बना दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पास 2 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 6 सितंबर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, चलिए इसका आंसर है 7 सितंबर। प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, तो हमारे पास यहाँ काम की चीज क्या मिल गई, एक ये भी कि भाई केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतरराष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किए। इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव भी शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 1919 को एक प्रस्ताव पारित कर 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। तो यहां पर ये चीज हमको भी समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे सबसे पहले 19 दिसंबर को ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि भाई 2020 से हम पहली बार 2020 से 7 सितंबर को हमेशा नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाएगा। और ये मौका हमको इस बार मिला, 7 सितंबर को मिला, ये पहले से ही डिसाइड कर दिया गया था। परंतु इस बार वाकई में आकाश जो था, हमारी जो वायु जो थी, स्वच्छ वायु जो थी वो स्वच्छ हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि भाई लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज बंद थी और प्रदूषण नहीं हो रहा था किसी प्रकार का व्हीकल्स के थ्रू, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो क्लीन रहा और इस वजह से शुद्ध वायु हो रही थी, स्वच्छ वायु थी। तो ये किस्मत वाली बात भी बोल सकते हैं कि पहले से ही ये डिसाइड कर दिया गया कि भाई 7 सितंबर को हमको स्वच्छ वायु दिवस मनाना है, और इस बार कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से भी वायु शुद्ध हो गई।
चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आशा करता हूं आपको ये सारे इसका आंसर आपको पता होगा, फिर भी मैं ऑप्शन आपको बता देता हूं, 5 सितंबर, 15 अक्टूबर, 12 सितंबर या फिर 10 सितंबर। चलिए इसका आंसर क्या होगा, 5 सितंबर। हमेशा की तरह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर 5 सितंबर को होती है। उन्हीं की याद में प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। शिक्षक दिवस का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देने में सभी शिक्षकों के योगदान को महत्व देना है। इस दिन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती और छात्रों को स्कूल जाना होता है। यहाँ पे मेन चीज क्या हो गई कि भाई जब सबसे पहले शिक्षक दिवस मनाने की बात हुई थी तो ये कैसे मनाया गया था, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जब पहली बार राधा कृष्णन जी का जन्म मनाने के लिए उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला, पहली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे उसके बाद उनके स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो राधा कृष्णन जी ने बोला कि भाई मेरा जन्मदिन मनाने से कोई मतलब नहीं है, आप मेरे जन्मदिन की याद में 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करिए, उससे मुझे अच्छा लगेगा, मेरा गौरव भी बढ़ेगा। तो तब से लगातार 1967 के बाद से लगातार 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं, किसकी याद में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन की याद में। इस दिन का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो टीचर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमको बनाया है, जिन्होंने हमको शेप किया है कि भाई आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब कुछ हो, कहीं ना कहीं आप टीचर के ही योगदान से बने हो ना, तो उन्हीं टीचरों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके महत्व को समझाने के लिए टीचर्स डे मनाया जाता है। इस दिन स्कूल में छुट्टियां नहीं होती हैं, छात्रों को स्कूल जाना होता है और सभी छात्र अपने टीचर्स को वेलकम करते हैं और उनके उनके महत्व के बारे में सभी को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? चलिए क्वेश्चन क्या है, किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है आपके पास चीन, रूस, बांग्लादेश या फिर नेपाल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है नेपाल। नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खाटीवाड़ा ने अपना इस्तीफा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नाम पर दिया था। चलिए यहाँ पे हमको एक और चीज मिल गई कि नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली जी हैं। इनके बारे में बहुत ही अभी रिसेंट में बहुत फेमस चीजें थी, इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बोली थी अपने नक्शे में, भारत की कुछ जगह का नाम भी उन्होंने बता दिया था कि भाई ये भारत की जो प्रमुख जगह है वो हमारे नेपाल की सीमा में आती है, ये भी था। इसके साथ ही में इन्होंने एक अजीब सी ऐतिहासिक बात के ऊपर उन्होंने बोला था कि भाई भगवान राम का जन्म हमारे नेपाल में ही हुआ था और पुरानी अयोध्या जो है वो नेपाल में है, ऐसा इन्होंने बोला था। चलिए 4 सितंबर देर शाम स्वीकार कर लिया गया युवराज खाटीवाड़ा जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, रूस, भारत या फिर जापान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन करने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है भारत। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है खेल केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू। तो हमारे लिए एक और काम की चीज के मिल गई, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है हमारे भाई, किरण रिजिजू हैं, ने कहा कि ब्रिक्स देश यहाँ पे आप कौन कौन से ये भी हम जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसी के थ्रू बहुत सी चीजों को कवर कर रहे हैं, हम क्विज के थ्रू बहुत सी सारी जो हमारा जो करंट अफेयर्स तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में कुछ जनरल नॉलेज की चीजें भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसे कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ब्राजील, रूस, ब्रिक्स के जो जो कंट्रीज हैं जो जुड़ी हुई वो कौन कौन सी हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बी से ब्राजील हो गया, आर से रशिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया,
चलिए आगे बढ़ेंगे कि खेल मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड 19 के इस दौर में खेल के और आगे बढ़ाने के रास्तों को आकलन किया। खेल मंत्री ने कहा, खेलो इंडिया गेम 2021 के दौरान एक ही समय पर एक ही आयोजन स्थल पर ब्रिक्स गेम 2021 का आयोजन किया जाएगा। चलिए यहाँ पे हमको एक और चीज़ क्या मिल गई, यहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स जो होने वाला है 2021 में, इसी के साथ में एक ही समय पर एक ही स्थल पर ब्रिक्स गेम का भी आयोजन कर दिया जाएगा, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स भाग लेंगे उनके पास ब्रिक्स गेम को करीब से देखने और उनके लाभ उठाने का शानदार अवसर मिल सके। तो यहाँ पे दो तीन चीजें काम की चीज हमको यहाँ पे मिल गई कि भाई यहाँ पे जो खेलो इंडिया है ये 2021 में होने वाला है, चलिए ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज और की कि खेलो इंडिया कार्यक्रम मतलब जो गेम्स हैं वो और हमारा जो ब्रिक्स खेल जो होने वाले हैं 2021 में एक ही समय पर, मतलब समय से मतलब है कि एक ही टाइम ड्यूरेशन में कुछ दिनों के आसपास के अंतर में एक ही स्थल पर आयोजित होने वाले। इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे फायदा ये होगा भाई कि जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं वो एक ही बार में खेलो इंडिया गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही साथ में ब्रिक्स गेम में कैसे कौन से खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन खेलों को करीब से देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राष्ट्र का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है। ऑप्शन है आपके पास विरुधुनगर, कुरूर, कांचीपुरम या फिर कृष्णगिरी। पहला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है कौन से जिले को तमिलनाडु ने। चलिए इसका आंसर रहने वाला है विरुधुनगर। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। यहां बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम उद्यम विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम है। चलिए यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई भाई, विरुधुनगर में आतिशबाजी एवं उससे संबंधित क्षेत्र के बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उद्यम्स हैं। यहाँ स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नगदी रहित लेन देन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें ATM डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग और QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए यहाँ पे हमको दो तीन चीजें काम की में क्या मिल गई कि नंबर एक चीज तो जो क्वेश्चन मैंने बनाया था उसके हिसाब से कि पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला कौन सा है, हमारा विरुधुनगर हो गया। दूसरी चीज क्या काम की आ गई कि विरुधुनगर जो है तमिलनाडु का, यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में आतिशबाजी और उनसे संबंधित उद्यम से। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जीवन बीमा निगम कंपनी, निजी जीवन बीमा निगम कंपनी है ये, बजाज एलियंस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन है आपका आयुष्मान खुराना, सलमान खान, अजय देवगन या फिर सनी देओल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, किस अभिनेता को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया बजाज एलियंस इंश्योरेंस कंपनी ने। चलिए इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा निगम कंपनी बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आयुष्मान जीवन बीमा कर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार भी करेंगे। चलिए यहाँ पे दो चीजें इनको दे दी गई हैं कि भाई आप एम्बेसडर हो तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट के बारे में तो बताओगे ही बताओगे, इसी के साथ में डिजिटल सेवाओं का प्रचार भी आपको करना है। आयुष्मान खुराना भारतीय टेलीविजन एंकर होने के साथ साथ एक फिल्म अभिनेता और गायक भी हैं। भारतीय टेलीविजन में उन्होंने एंकरिंग के जरिए अपना यह एक मुकाम स्थापित किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तुर्की ने पूर्व भूमध्य सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, रूस, नेपाल या फिर पाकिस्तान। किस देश के साथ ये नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करने वाले हैं। चलिए इसका आंसर है रूस। गौरतलब है कि वर्तमान में पूर्व भूमध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर तुर्की और इसके तटीय पड़ोसियों
ग्रीस तथा साइप्रस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। तुर्की की तरफ से जारी नौवाहन नोटिस के अनुसार इसी रूसी सैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन 8 से 22 सितंबर 2022 को एवं 17 से 28 सितंबर के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा। तुर्की की यह घोषणा अमेरिका के इस बयान के बाद आई जिसमें उसने साइप्रस पर लगे 33 वर्षीय पुराने हथियार प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओओ सीईओ बनाने की अपनी मंजूरी दे दी। ऑप्शन है आपके पास मुरली रामकृष्णन, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी या फिर मोहन कुमार। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, किसको यहाँ पे सीईओ और एमडी बनाने की यहाँ पे मंजूरी दी है। इसका आंसर रहने वाला है मुरली रामकृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली कृष्णन को बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने की अपनी मंजूरी दे दी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गवर्नर की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गवर्नर की बात नहीं हो रही है, बैंकों का प्रबंध निदेशक की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन यहीं पे बन रहा है कि यहाँ पे रिजर्व बैंक के मेन अधिकारी की बात कर दी, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एमडी की बात हो रही है, बैंक के प्रबंध निदेशक की। बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी, इसकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावित होगी। रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई के बैंक के वरिष्ठ महाप्रबंधक रणनीति परियोजना समूह के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। कब हुए थे ये? 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक से सेवानिवृत्त हुए थे। वे 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार बने। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन जी को नियुक्त किया, 3 साल के लिए किया। यहाँ पे काम की चीजें क्या मिल गई कि मुरली रामकृष्णन जी अभी इसी साल 30 मई को आईसीआईसीआई के बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक से रिटायर्ड हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ, साउथ इंडिया बैंक के सलाहकार बने 1 जुलाई से। इसके बाद क्या, इसके बाद इनको 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीए के रूप में चुना गया है आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर हमेशा की तरह। इसी सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा, जबकि तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश का चौथा स्थान रहा है। इस सूची में झारखंड का 5वां, छत्तीसगढ़ का 6वां, हिमाचल प्रदेश का 7वां और झारखंड राजस्थान को 8वां, साथ ही साथ में पश्चिम बंगाल को 9वां और गुजरात को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के सारे मैंने रैंकिंग आपको बता दी कि पहले नंबर पर कौन है हमारा, पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है और 10वें नंबर पर कौन है हमारा, गुजरात है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के कुछ आर्टिकल्स हम देख लेते हैं जो कि हमारे द हिंदू से रिलेटेड हैं, न्यूज़पेपर से। राजनाथ सिंह ने मास्को में चीन रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग से मुलाकात की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 सितंबर 2020 को मॉस्को रूस में संघाई सहयोग संगठन CSO की बैठक के दौरान चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई वेहंग से मुलाकात की। यह बैठक मई 2020 में शुरू हुए भारत चीन सीमा गतिरोध के बाद उच्चतम स्तर के द्विपक्षीय वार्ता का प्रतीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले कुछ महीनों में भारत चीन सीमा के पश्चिम क्षेत्र में गलवान घाटी सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हुए घटनाक्रम पर भारत की स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या सैनिकों को एकत्रित करने की कार्रवाई और उनके आक्रमण व्यवहार तथा क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों के कारण भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।
तो यहाँ पे काम की चीजें यहाँ पे क्या मिली कि सिंह जी ने, राजनाथ सिंह ने यहाँ पे बोला कि भाई जो हमारे बीच में समझौता हुआ था, हमारे बीच में जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था, उसका यहाँ पे टोटली उल्लंघन किया गया है चीनी सैनिकों की तरफ से। बार बार झगड़ा करना और यहाँ पे झड़प होना सैनिकों के बीच में, और अपनी लाइन को क्रॉस करके इंडिया में आना, ये सारी चीजें जो हो रही थी इसको लेके यहाँ पे बोला गया कि आपने जो हमारे बीच में जो समझौते हुए थे उसका आपने स्पष्ट तरीके से उल्लंघन किया है। चलिए अब क्या बताता है, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता की मेजबानी करेगा। अब ये 2+2 क्या है, अब हम इसको डिटेल में जानेंगे। भारत जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2+2 संवाद के लिए क्वाड मीट की मेजबानी करेगा। इस संदर्भ के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस 3 सितंबर 2020 को विदेश मंत्रालय द्वारा नियमित साप्ताहिक ब्रीफिंग में राजनयिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा की गई। अब क्वाड ग्रुपिंग के बारे में क्या जान लेते हैं। क्वाड ग्रुप या चतुष्पक्षी सुरक्षा, क्वाड से मतलब यहाँ पे क्वाड है, यहाँ पे संवाद चारों लोकतंत्रों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। इन क्वाड देशों में दो देश ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भारत की अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला में भारी निवेशों का आश्वासन दिया है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि भाई कि ऑस्ट्रेलिया और जापान ने यहाँ पे बोला है कि भाई हम भारत के लिए प्रौद्योगिकी लिए, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के लिए और साथ ही साथ में आपूर्ति श्रृंखला के लिए हम यहाँ पे बहुत बड़ा निवेश करने वाले हैं, इसका उन्होंने आश्वासन दिया। यह बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही ये भी जान लेते हैं। क्वाड बैठक में 2+2 वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के बीच सीमा के गतिरोध के महीनों जारी रहने के बाद चीन के घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए मौजूदा तनाव बहुत अधिक है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार चीन इस चतुष्पक्षी बैठक और 2+2 वार्ता को बहुत बारीकी से देख रहा होगा, क्योंकि यह लोकतांत्रिक शक्तियों के एक समूह को खतरे के संकेत के तौर पर देखता है। तो यहाँ पे चीन यहाँ पे थोड़ा सा, यह रिपोर्ट के अनुसार बता रहा है कि चीन यहाँ पे थोड़ा सा डरा हुआ है कि भाई यहाँ पे चार देश जो हैं, जो बहुत बड़े चार देश हैं और लोकतांत्रिक हैं, ये लोकतांत्रिक क्योंकि चाइना जो है वो लोकतांत्रिक तो नहीं है, तो यहाँ पे चार बड़े देश, लोकतांत्रिक देश इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे हैं, तो उससे उनके उनको खतरा महसूस हो रहा है, ऐसा न्यूज़ बता रही है। तो ये था हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। हमने कुछ आर्टिकल्स को भी स्टडी किया द हिंदू के। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।